सीरियल किलर सीरीज पार्ट 1। 1960 के दशक में मुंबई का अपना रुआब था। उस वक्त देश भर के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे, लेकिन 1960 का दशक मुंबई के फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों के लिए काल साबित हुआ। वजह, साइको किलर रमन राघव, जिसने उड़ा दी थी मुंबई शहर की नींद। 1965 से 1966 के समय में मुंबई में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की हत्याओं की खबरों ने सभी को सन्न करके रख दिया था। एक साल के अंदर करीब 1.5 दर्जन लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हुए, जिनमें से 9 लोग मारे गए। इसी बीच इन हत्याओं का मामला क्राइम ब्रांच के पास आ गया और 27 अगस्त 1966 को रमन राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में रमन राघव ने बताया कि 3 साल के भीतर उसने करीब 40 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पुलिस का मानना था कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। वह मुगदर जैसे बिना धार वाले हथियार से सो रहे लोगों पर लगातार प्रहार करके उन्हें जान से मार देता था। इतना ही नहीं, वह महिलाओं के शवों से रेप भी करता था। मिली जानकारी के अनुसार कई हत्याओं में पकड़े जाने से पहले रमन राघव ने अपनी बहन का रेप भी किया था और उस पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। निचली अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद उसे मौत की सजा दे दी थी, पर पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो डॉक्टरों के पैनल से उसे मानसिक रूप से विकृत बता दिया गया। ऐसे में उसकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया। साल 1995 में साइको किलर रमन राघव की किडनी की बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई।